क्या हुआ जब एक लड़की के गर्भ से पैदा हुआ सांप? फिर जो हुआ उसे देख आपकी आंखें फटे की फटी रह जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक औरत ही इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते देखा या सुना है? वो भी तब जब वो जहरीला जानवर कोई और नहीं बल्कि सांप हो। हैरान कर देने वाली ये कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि एक हकीकत है। एक इंसान सांप को जन्म दे और फिर जब उसे कोई मारना चाहे तो सांप वहां नजर ना आए, क्या ये संभव लगता है? शायद आप कहेंगे नहीं, लेकिन यही बात जब आप हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों से पूछेंगे तो उसका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका जवाब होगा जी हाँ, ऐसा हुआ है। देव पशाकोट चौहार घाटी के मुख्य देवता हैं। देव पशाकोट सामान्य मंदिरों के निर्माण समय से भी अधिक समय लगा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करने के लिए पशाकोट देव का आदेश था कि खाली पेट ही निर्माण कार्य हो। भोजन करने के बाद मंदिर का निर्माण कार्य करने की सख्त मनाही थी। यही वजह थी कि कारीगरों को सामान्य से अधिक समय लगा था। मंदिर का निर्माण काष्ट कुणी शैली में किया गया है, जो कि इसे और भी अलौकिक बना देता है। देव पशाकोट मंदिर लोहारणी से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी मराण नाम के स्थान पर स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत साल पहले यहाँ एक चरवाहे की बेटी पशु को चराने के लिए मराण जाती थी। वहाँ एक सरोवर था। जब वो थक जाती थी तो सरोवर के पास बैठ जाती थी, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज गिर जाऊं सुनाई देती। उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर आवाज को वह मानकर घर वापस चली जाती। चरवाहे की बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ जो वो प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की घटना अपनी माँ को सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज सुनाई दे तब वो कह दे कि गिर जाओ। दूसरे दिन वो फिर सरोवर के पास आई और पानी पीने लगी तो फिर उसे वही आवाज सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कहा गिर जाओ। कथा के अनुसार जब उस लड़की ने कहा गिर जाओ तो नदी किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। उसके बाद जमकर बारिश हुई और वो लड़की वहां से गायब हो गई। पानी में बहती हुई टिकन आ पहुंची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफी वक्त बीत गया और वो अपने मायके मराड़ गई, जहां पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर उसकी माँ अचंभित रह गई और सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप वहां से गायब होकर टिकन पहुंच गए। यही सांप महानाग, अजियापाल और ब्रह्मा देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भावस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल बाद सांप के रूप में मराड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो उस नदी से होते हुए जाते हैं जहां पर उस चरवाहे की बेटी पानी पीती थी। मान्यता है कि जब भी वो मराड़ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मराड़ पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस टिकन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं।